जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जी प्यार से कहना सात संदेश जी, आज आप सबको यहाँ देखकर बहुत ही खुशी मिल रही है और जैसे जैसे ये भी समझ में आ रहा है कि ना कि सिर्फ पंजाब पर आसपास के लगे प्रांतों से भी आप सब चलकर आए हैं और इतनी दूर आप सब इसीलिए आए हैं कि निरंकार की महिमा गा सकें और सारे संगत के साथ इस विशाल रूप में एक श्वास में श्वास डाल के इस निरंकार का जब एहसास एक साथ करते हैं तो वो जो आनंद की अवस्था वो ब्लिस जिसको कहते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक कायम रह सकती है। और जैसे हम सब जानते हैं अभी बार बार जिक्र भी हुआ कि दो दिन पहले दशहरा हुआ और वो जहाँ रावण की बात आती है वहाँ ईगो की भी बात आती है और जहाँ ईगो की बात है वहाँ हम्बल की भी थी। अहंकार तो है और दूसरी तरफ जो नम्रता जो एक ही दिल में कई बार जैसे वो बात सुनते हैं कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती तो हमको ये चूज करना होता है कि हमको अपना जीवन अपना दिल अपना मन किस तरह स्वच्छ रखें कि उसमें अच्छी क्वालिटीज ही रहे और कभी भी अहंकार रूपी और अन्य उस तरह की क्वालिटीज ना आ सके। और जिस तरह आप सब संगत इतने पवित्र रूप में हैं और इतना कुछ हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि जो निरंकारी मिशन से जुड़ने का हमारा सबूत हमेशा प्रमाण हमारे जीवन को ही दर्शाता हुआ रहे ना कि हमें किसी और माध्यम से प्रचार उसका करना पड़े, एक जीवन ही हमारा प्रचार बन पाए। और जैसे हमने पता ही है कि समागम आ रहा है और हम सब चाहे वो हर प्रकार की सेवाओं की जहाँ बात आती है समागम आने की वो अभी से ही शुरू कर चुके हैं नवंबर के लिए और धीरे धीरे सबका प्लान भी बन गया है कि किस तरह पहुंचना है समागम पे। निरंकार आप सब पे कृपा करें कि जिस तरह स्वस्थ रखे आपको अच्छी तरह समागम तक आप सब आ जाएं और ऐसी किसी की भी कोई मजबूरी कहीं ना हो जो समागम से दूर रख सके। सात संगत जी प्यार से कहना।